से है जहां कोटरी थाना क्षेत्र गिरडिया में बुधवार से लापता एक नाबालिग बच्ची के शव के अवशेष गांव के पास ही जंगल में कोयला बनाने की भट्टी में मिलने से दहशत फैल गई है। दुष्कर्म और कोयला भट्टी में शव को जलाने की जानकारी क्षेत्र में आग की तरह फैल गई है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने कोटड़ी थाने में दी है। सूचना पर थाना प्रभारी एडिशनल एसपी डिप्टी एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें, नरसिंहपुरा गांव की एक नाबालिग किशोरी अपनी मां के साथ खेतों में बकरियां चराने गई थी और उसकी मां घर लौटी आई, लेकिन बच्ची के घर ना लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। वहीं परिजनों की तलाशी के दौरान कोयले की भट्टी में नाबालिग बच्ची के हाथ का कड़ा मिला, जिससे दुष्कर्म के बाद शव जलाने की आशंका की जा रही। वहीं पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, पूर्व मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर मौके पर पहुंचे और गुर्जर ने आरोपियों को फांसी और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। थाना क्षेत्र का नरसिंहपुरा का वो इस घटना स्थल है जहाँ पर अभी मौजूद है और यहाँ पर सरकार ने शक्ति दिखाते हुए यहाँ पर जो अपराध जो कार्य करने वाले जो आरोपी थे उनके जो मकान है या जो उनके तो तंबू बने हुए थे जहाँ वो निवास करते थे उन पर यहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और लोगों में भी यहाँ पर खासा जो आरोपी है उनके खिलाफ यहाँ आक्रोश देखा जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान राज्य बिजली निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धीरज गुर्जर जी। जिस प्रकार ये घटना सामने आई, वास्तव में दिल दिलाने वाली, बहुत लोगों को परेशान भी करी। ये इंसानी कृत्य नहीं है, कोई इंसान ऐसे कृत्य को अंजाम नहीं दे सकता है कि 15 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करे और गैंगरेप करने के बाद उसको आग के हवाले कर दे। आज हमारा हृदय क्रोध और दुख से भरा हुआ है कि हमारा दुर्भाग्य कि हमारे पास उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शरीर का एक अवशेष भी बाकी नहीं है। अभी तक ये भी कन्फर्म नहीं है कि उसको बलात्कार के बाद में मौत के घाट उतारने के बाद आग के हवाले किया है, जिंदा उस मासूम बच्ची को इन दरिंदों ने आग के हवाले कर दिया है। हमारी सिर्फ एक मांग है, सरकार तत्काल प्रभाव से, मैंने एसपी को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से इसके अंदर कार्रवाई करते हुए चालान पेश कराइए। जिले के कोटरी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव के अंदर 14 वर्षीय 10वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाली छात्रा के साथ दरिंदगी के बाद नृशंस हत्या का जो मामला सामने आया है, अभी हम उनके घर पर पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि घर में पूरी तरह से यहाँ पर मातम फसरा हुआ है और यहाँ पर परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। कैसे घटना घटित हुई और किस प्रकार की, ये पहली बार जब माँ को कैसे पता चला, आइए हम इस को लेकर माँ से चर्चा कर लेते हैं। जी बेटी के फांसी को वटर दी तो जवा के फांसी को, तो आपको पहले सबसे पहले कब पता चला कि आपकी बेटी लापता है? मारी बेटी मुगे क्या था जब साले ने वो मार बांध मारी सोरी ने ठाकिया मोटा ही जब ने मुझे मारी सोरी कर देखो चौकीदार सोरी ने मैंने देखी पाची मुँह चटकी कहता जी मारा भाई ने बेहद चौवा बने क्यों मैंने अड़ भाई ने दीदी पे मारा सोरान लेगी मारा सोरान लेगी जब उत्ता ही ने पूछा भयन पाचा पता मुझे पट्टी में मारी सोरी बोली हमारी जो पट्टी में ला दी हाथ में कड़ो फेर जो मामूली वो का हाथ पकड़ी आंगड़े ला दी इतना मामूली सामी ला दी थोड़ा कपड़ा ला दिया बच्चे वह क्योंकि मैं खत्म कर दी क्योंकि भट्टी में कोई सोखी जो मैं ही सोखी जितने अब जो मारी सॉरी मुकरी जो वो मुकर मारे और कहीं न था कहीं न था मारी बेटी को न मार दूसरी चीज न खेकर भट्टी के आपके खेत के आसपास ही है? मारे खेत की मेहर पे वो बशरिया घर बार सब बना मिल गया जो माँ को जोर जोरिया को बाप जो काम आ क्यों काम आई और वन क्यों आया हो कमार सॉरी आ रही थी वो दाज पत्तो पड़ क्यों वो तो खत्म कर बट्टी में सोख दी थी जो मारी वन नंगे का वहा आज इधर दापा खत्म कर दिया बच्चे मारे पीछे पड़िया हुआ मारे पीछे पड़िया जो मारो भाई उठ जो ना वो क्यों उठी नू कांसा गड़ा को जो मुंह वाने क्यों तो रोक मारो भाई आवे चित्र जो कू थोड़ो के मामने कर क्यों मामूली चित्र मारो भाई आई फैन वो भाई आई जी पहले मैं देवी बाण भी बच्चा हर बार छोरा ले रहा बच्ची जा रहा बच्चे चोरी ना मारी बच्चे चोरी लाती मार जब ये पूछा हुआ बट्टी के अंदर डाल रखा था। हाँ बट्टी में अंदर डाल में दी चार दी थी नेम नेम मामूली वगा आज बगल लाइट जा रहा करो लाइट तो जो खत्म कर देने हमें एक दिन हम मैंने डाटो लगा दियो पट्टी का मैंने बंद कर जो पता मैं चोरी कर को दियो जो जब मैंने बोल बने दिया जो उड़ी के जाने दे अब आप क्या चाहते हैं? हां अब मैं वहां की पासी सहायता जो हमारी बेटी की थी जो हम करो तो मार तो वो तो सोई यार पता मैंने कहता जानो खत्म करनी मैं तो सीधे मैंने सोआडर की कह रहा जो 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 हमारी बेटी हुई जो हम करो बिल्कुल। तो ये थी
जिस घटना घटित हुई उस बेटी की माँ थी, जिन्होंने बताया कि जो घटना इसके साथ बेटी के साथ हुई उन आरोपियों को भी सख्त सख्त मांग करते हुए उन्हें सख्त सजा की मांग की। साथ ही इन्होंने भी परिजनों ने भी रिंदों के साथ फांसी की मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।